कुरतलन एंड यू आर वॉचिंग पाकिस्तानी मोम अब्रॉड। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो जी, आज का जो टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब इन दुबई। और जी, 2024 स्टार्ट होने वाला है, होप फॉर द बेस्ट। और थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जॉब यहाँ पर ढूँढनी है और जॉब ढूंढने में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। और जो लोग यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, उनकी बेड स्पेस वगैरह, जो उनकी अकोमोडेशन है वो क्या है यहाँ पे, किस तरीके से, और क्या उसके भी मसाइल हो सकते हैं और क्या चार्जेस होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर जॉब की बात की जाए तो सबसे पहले तो बात आ जाती है वीज़े की। और वीज़ा आजकल, मैंने एक पिछले भी व्लॉग में बताया था कि वीज़े लगना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। अब डिफ़िकल्ट क्यों हुआ है, उसके कुछ रीजंस हैं। हमारे जो, अगर हम अपने मुल्क की बात करें जी, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे ऐसे कोई रिकॉर्ड तोड़, आपको पता है जब बिहेवियर यहाँ पे कुछ ख़राब रखेंगे, कुछ इस तरह के काम करेंगे तो फिर उस वजह से पूरे मुल्क का नुकसान होता है, सबका इमेज ख़राब होता है। तो इस वजह से जब भी आप लोग भी अगर नए यहाँ पे आ रहे हैं, अल्लाह करे आप लोगों के वीज़े लग जाएं, तो एक पॉजिटिव सोच लेके आइएगा, एक पॉजिटिव बिहेवियर लेके आइएगा। क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं, अगर आप पॉजिटिव तरीके से नहीं रहते हैं तो आपका तो नुकसान होता होता है, साथ आपके पीछे बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आने के लिए विलिंग हैं, लेकिन अब जो रुकावटें हुई हुई हैं तो इस वजह से आना भी मुश्किल हो रहा है और रहना भी मुश्किल हो रहा है, और जॉब्स में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो जी, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जॉब कैसे करनी है। तो जी, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने विजिट वीज़ा लेके आना है। और पहले तो अगर आपको वहाँ से बैठे बैठे जॉब मिलती है, अगर आपने अपनी लिंक्डइन पे या कुछ और प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं जॉब के लिए, अप्लाई करें, वेल एंड गुड। अगर आपको कोई जॉब की ऑफर आ जाती है तो ठीक है वहाँ से बैठे बैठे। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि होम कंट्री से जॉब्स मिलती नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना होता है। तो इंटरव्यू के लिए जब अपेयर होना है तो आपको फिजिकली अपेयर होना है, तो इस वजह से जैसे ही कंपनी आपको कॉल करेगी कि वी वांट टू हायर यू, हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, क्योंकि जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल डाल के रखते हैं और उसको अपडेट करते रहें, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दें, उसको अपडेट करते रहें ताकि जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयर हैं वो आपकी प्रोफाइल को देख लें। और जैसे जैसे आप अपडेट करते रहेंगे तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आती रहेगी और इस तरीके से आपके जॉब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आपकी वहाँ से बैठे बैठे जॉब हो जाती है, ठीक है, नहीं तो आप विजिट वीज़ा लेके इधर आ जाएं दुबई के अंदर। और मैं काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, दुबई जो है या यूएई जो है, दैट इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर दोज कंट्रीज़ लाइक जैसे हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, उन लोगों के लिए जिनकी करेंसी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो यहाँ से आते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं और यहाँ से फिर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो ईज़िली यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आना आजकल इतना आसान नहीं रहा है। तो जी, अब विजिट वीज़े पे जब यहाँ पे आ जाते हैं तो अपनी CV, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अटेस्ट करा के लाएं, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे साथ लेके आएं, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ UAE से, पाकिस्तान से सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा के ले आएँ, और जो उर्दू में हैं तो उनको ट्रांसलेट करा के, तो इंग्लिश में करा के लेके आएँ। तो ये तो बात हो गई सारी, और आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं UAE में। अब आप UAE में पहुँचते हैं और अब आपकी जी बात आ जाती है जी इसकी लिविंग की। अब लिविंग यहाँ पे जो है, जो कि हमारी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब यहाँ पे आते हैं तो हमें एक लिविंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो उसके लिए ऑप्शन ढूंढने हैं। अब उसके लिए ऑप्शन जो है वो मैं काफ़ी सारे ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ कि हाउ टू फाइंड अफोर्डेबल अकोमोडेशन, हाउ टू फाइंड बेड स्पेस, चीप बेड स्पेस, अफोर्डेबल बेड स्पेस, अफोर्डेबल एरियाज टू लिव इन UAE। तो वो आप जाके मेरे जितने भी पुराने ब्लॉग्स हैं उसमें देखें, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हमें डिटेल दें। मैं इस तरह एक एक करके डिटेल कोशिश करती हूँ दूँ, समटाइम नहीं भी बता सकती। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ कि मिनिमम जो अगर आपको बेड स्पेस मिलती है वो आपको मिनिमम 300 से स्टार्ट है, और उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा लोग, मतलब एक कमरे के अंदर 8 से 10 लोग रह रहे होंगे, ट्रिपल जो है बंक बेड वो लगे हुए होंगे, और उसके अलावा लॉकर्स दिए हुए होंगे उन्होंने, और मतलब एक मिनिमम आपके पास स्पेस होती है, बस लेटने की जाके रात को, बैठने का कोई इंतज़ाम अंदर नहीं होता है। और फिर इस वजह से जो ऐसे एरियाज़ हैं उनके बाहर काफ़ी रश होता है, लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, शाम को निकल और दिन को वैसे भी जॉब पर होते हैं। खैर, स्टार्ट जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, उसको आप ये ना सोचें कि जी दुबई जाएँगे तो हमारी कोई लाइफ बहुत लग्जरी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। जो कि लोग बड़े
बड़े बिजनेस भी लेके आते हैं वो भी यहाँ पे आके सफ़र करते हैं, और जो छोटे से छोटे जॉब वाला बंदा भी आता है वो भी सफ़र करता है। सफरिंग्स स्टार्ट का पार्ट है, तो आगे चल के आपको आहिस्ता आहिस्ता फल मिलना शुरू होता है अगर आप रेडी हैं उन सफरिंग्स के लिए और फिर बाद में उस एक बेस्ट रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि वीज़ा लगवाएं, आएं, जॉब सर्च करें। और शुरू में जॉब सर्च में भी काफ़ी मुश्किल होती है, ऐसा नहीं है कि वो भी कि आप आएंगे तो एम्प्लॉयर तो रेडी बैठे हैं, या तो हाँ आपके पास कोई ऐसे टेक्निकल काम है जैसे कि आप जी कंप्यूटर ठीक करने वाले हैं, आप सैलून्स का आपको काम आता है, आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है, ये उन लोगों के लिए है मतलब जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे इजीली काम मिल जाता है। लेकिन जितने भी ज़्यादा मतलब जिनकी हायर एजुकेशन होती है क्योंकि वो एक बड़ी पोस्ट में पीछे अपने कंट्री में काम कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे इतना चलता नहीं है। अब आप एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि जी वहाँ पे तो हम बड़ी पोस्ट पे थे, यहाँ पे आएंगे तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको फिर आपको किसी मिनिमम पोस्ट पे, छोटी पोस्ट पे एडजस्ट करना होगा शुरू में। फिर आपको कहीं पे सेल्स बॉय भी बनना होगा और कहीं पे आपको शायद पता नहीं मुश्किल में टैक्सी भी चलानी पड़ जाए। बल्कि कनाडा वगैरह में तो ऐसे जब लोग दुबई से जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे होते हैं मतलब बड़ी जॉब्स पे होते हैं, जब जाते हैं कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में इधर यूके वगैरह में तो उनकी जॉब्स नहीं लग रही होती हैं, तो मजबूरी में सरवाइव करने के लिए फिर वो टैक्सी या उबर वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं। तो सर्वाइवल मतलब आपने किसी ना किसी तरीके से करना है यहाँ पे आके। और जॉब सर्च के लिए यही है, आप फिजिकली जाके अपनी सीवी, जो भी आपकी फील्ड है रिलेटेड, वहाँ जाके अपना सीवी ड्रॉप करें, अपना बेस्ट जो आपकी अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पे जाके परफॉर्म करें। और हमेशा जब भी आप आने लगे ना एक पॉजिटिव सोच लेके आइएगा, मैंने स्टार्ट में भी व्लॉग के कहा है, दोबारा कह रही हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे ना पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देंगे और परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत आपके लिए बेहतरीन होगा यहाँ पे। और उसके अलावा जी सीवी जो है वो अपनी कुछ अच्छे तरीके से बना के आए, मतलब किसी प्रोफेशनल से बनवा के आए। अगर आपको लगता है कि आप खुद अच्छी नहीं बना सकते, किसी प्रोफेशनल से बनाएं कि और किसी से मशवरा ले लें कि जी किस तरीके से मैं अपनी सीवी बनाऊं जो फिज़िकली लेके आनी है, तो यहाँ पे आएं और ड्रॉप करें। और बाकी बेस्ट ऑफ द लक, कोई क्वेश्चन है तो आप जी मुझे ड्रॉप करें और मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। तो जी एंड करती हूँ आज का ब्लॉग यहाँ पे, मैंने कहा साथ बात कर लेते हैं जॉब के ऊपर, साथ साथ आपको दुबई का ब्यूटीफुल व्यू दिन का दिखा देती हूँ कि दुबई किस कदर खूबसूरत है। तो जी एंड करते हैं ये व्लॉग और मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।